हेलो प्यारे बच्चों, कैसे आप सभी? बढ़िया। चलो आज हम 14 चैप्टर पढ़ेंगे। इससे पिछली क्लास में हमने 13 चैप्टर पढ़ा था और उसमें होमवर्क भी तो दिया था। क्या आपने, सभी बच्चों ने होमवर्क कंप्लीट किया? बहुत अच्छे। चलिए बच्चों 14 चैप्टर पढ़ते हैं। इसका क्या नाम है इस चैप्टर का? मुहावरे लाल। वेरी गुड, चलिए पढ़ते हैं। अरे महाशय, आपको कौन नहीं पहचानता, आप ही है ना मुहावरे लाल जी। बड़ी इच्छा थी आपके दर्शन की, सो आज हो गए। मेरा नाम खुशी राम है। भगवान की दया से थोड़ी मुहावरेबाजी मैं भी कर लेता हूँ। तो मैं क्या करूँ, ऐसा किसने कहा? ऐसा मुहावरे लाल ने कहा कि मैं क्या करूँ, मुझसे मुकाबला कीजिए और क्या। ये किसने कहा? खुशी राम ने कहा। किसको? ये मुहावरे लाल को, कि मुझसे मुकाबला कीजिए। अब तक कुछ और आदमी वहां जमा हो गए थे। अब मुहावरे लाल के सामने कोई दूसरा चारा नहीं था। बेचारा मरता क्या ना करता, वे मुकाबले के लिए तैयार हो गया। बहुत अच्छे, समझ रहे हो ना बच्चों? चलिए। खुशीराम ने कहा, मैंने आंखों में तेल डालकर अपनी आंख के तारे को ढूंढा है, पर वह न मिला। वह कहाँ गया होगा? ऐसा किसने कहा? खुशीराम ने कहा मुहावरे लाल को। मुहावरा लाल चकराया, उसको कुछ समझ नहीं आया तो वो चकरा गया इस सवाल को सुनकर और बोला, ये कैसा सवाल है? बोले, कानों में रुई डालकर बैठा होगा। नहीं, मेरी आंखों में धूल झोंक कर 9 2 11 हो गया, खुशीराम ने कहा। ये लोग उसकी बातें सुनकर हंस पड़े। फिर क्या हुआ? खुशीराम ने दूसरा प्रश्न पूछा। कौन सा? मैंने टेढ़ी उंगली से घी निकाला तो मेरी 5 उंगलियां घी में गई, फिर सिर कहाँ था? खुशीराम ने ये पूछा। फिर कैसे कहीं जा सकता है, मतलब सिर कैसे कहीं जा सकता है? मुहावरे लाल हैरत से बोले, अरे महाशय, मुहावरे में तो सिर जाता है कढ़ाई में। और लोग फिर ठहाकर मार कर हंस पड़े। बच्चों समझ रहे हो ना कि ये जो हमारे कौन है मुहावरे लाल, कैसे खुशी राम को, जो खुशी राम थे उनको कैसे पीट रहे थे अपने मुहावरों के बलबूते पर। बहुत अच्छे, उनकी बेइज्जती कर रहे थे कि उनको तो मुहावरे पूछना ही नहीं आता। चलिए तीसरा और आखिरी सवाल पूछते हैं। जब मेरी दाल न गली तो मुझे लगा दाल में कुछ काला है, पर दाल में काला क्यों था? जरूर छोक जल गई होगी। मुहावरे लाल अपनी मुहावरेदार भाषा भूल चले थे। अरे नहीं भाई, दाल में तो राई का पहाड़ बन गया था, खुशीराम हंसते हुए बोला। मुहावरे लाल अब पस्त हो चुके थे, हाथ जोड़कर बोले, मेरे भाई तुम जीते मैं हारा, अब तो मुझे बख्शो। नहीं महाशय, मेरा इरादा आपको नीचा दिखाना नहीं था, दिखाना नहीं था। मैं तो बस बताना चाहता हूँ कि अधूरा ज्ञान हमेशा मुश्किल में डाल देता है, इसलिए किसी भी विषय को पूरी तरह से समझ कर ही उसे उपयोग में लाना चाहिए। खुशीराम ने मुहारे लाल की पीठ थपथपाई और अपने रास्ते चल पड़ा। बहुत अच्छे बच्चों, आपको समझ में आया ना कि अधूरा ज्ञान हमारे किसी भी काम नहीं आता। जब तक हम उसको पूरा ज्ञान ना ले ले तब तक हम उसे अपने उपयोग में नहीं लेना चाहिए। पहले पूरा ज्ञान लो, उसके बाद उसे उपयोग में लो। वेरी गुड, चलिए बच्चों अब आगे पढ़ते हैं कि क्या बताया है। आगे तो हमें अभ्यास करना है। चैप्टर भी हमने पढ़ लिया और उसको अच्छे से समझ भी लिया, अब हम उसका अभ्यास करेंगे। चलिए, अभ्यास तो आपको पता है ना, अभ्यास किस लिए किया जाता है? ताकि हमें पता चल सके इस चैप्टर से हमने कितना पढ़ा और कितना जाना है। बच्चों पहला प्रश्न बताया है कि पहले पर्सन में बोला है कि इस पाठ में कुछ नए शब्द आए हैं, उन नए शब्द को आपको बोल कर लिखना है ताकि आप उन नए शब्द को पहचान जाओ। वेरी गुड, जैसे कि बुद्धिमान, दर्शन, धाक, गमछा, विद्वान और दुश्मन, बाकी और भी शब्द लिखे हैं, इनको बोलना है, समझना है और फिर अपनी कॉपी पर लिखना है ताकि आप नए शब्द के बारे में जान सको। चलिए दूसरा प्रश्न करते हैं। दूसरा प्रश्न क्या है बच्चों? यहाँ पे लिखा है शब्दों के अर्थ समझो और उन्हें अपनी कॉपी पर लिखो, जैसे धाक, गर्भ, संकरा, प्रयास, महाशय और गमछा। यहाँ कुछ शब्द लिखे हैं, उनके सामने उनके अर्थ लिखे हैं। आपको शब्दों को पढ़ना है और उनके अर्थ को समझना है ताकि आप नए शब्दों के अर्थ पहचान पाओ। वेरी गुड, चलिए तीसरा मुहावरा करते हैं।
मुहावरों के अर्थ के साथ मुहावरों की जोड़ी बनाओ बच्चों। आपको जोड़े बनाने हैं, आपको मुहावरे बनाने आते हैं ना? बहुत अच्छे, आपको मुहावरे पसंद है ना? वेरी गुड बच्चों। चलिए जोड़ा बनाते हैं अब। बच्चों बताओ, बहुत प्रसन्न होना, इसमें से देख के बताओ, बहुत प्रसन्न होना एक मुहावरा, मतलब कि इसमें क्या लिखेंगे? ये मुहावरे है, जैसे बहुत प्रसन्न होना, उसे हम कैसे जोड़ा बनाएंगे एक मुहावरे के साथ? देखिए, इसमें से हम खोजते हैं कि बहुत प्रसन्न होने का सही मुहावरा कौन सा होना। वेरी गुड। फूले ना समाना, मतलब वो फूले नहीं समा रहा, वो बहुत ज्यादा खुश है, तो हम उसको मुहावरे में कैसे बोलेंगे? ये फूले नहीं समा रहा, मतलब ये बहुत प्रसन्न है। वेरी गुड। चलिए दूसरा करते हैं, बहुत क्रोधित होना। बच्चों कैसे बोलेंगे हम इसको मुहावरे में? यहाँ पे कैसे जोड़ेंगे सही मुहावरे के साथ? वेरी गुड। यहाँ पे जोड़ेंगे लाल पीला होना। बोलते हैं ना कि ये लाल पीला हो रहा है, मतलब इसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है, ये बहुत गुस्से में है। बहुत अच्छे। ऐसे बाकी के शब्द आपको जोड़े में मिलाना है, इनके सामने कुछ मुहावरे लिखे हैं, जैसे हमने इन दो को जोड़ा, बाकी को भी आपको ऐसे ही जोड़ना है। चलिए आगे करते हैं। नीचे ना कुछ शब्द दिए हैं, इनको हमें मुहावरे लिखने हैं। बच्चों आपको मुहावरे लिखने आते हैं ना? हाँ, तो नाक, पीठ, हाथ, आंख शब्द, इन शब्दों का प्रयोग करके हमें मुहावरा लिखना है। जैसे नाक, नाक में दम करना, ये क्या होता है? मतलब परेशान करना। तो यहाँ क्या लिखेंगे कि उसने मेरी नाक में दम कर दिया है, हमने नाक शब्द का प्रयोग करके एक मुहावरा लिख दिया है। वेरी गुड, आप तो मुहावरे बनाने में माहिर हो गए। चलिए बाकी शब्दों को आपको मुहावरे में बदलना है, बदल लोगे ना? बहुत अच्छे। आगे आते हैं पांचवें प्रश्न पे। बच्चों पाठ तो तुमने पढ़ लिया, अब इसके आधार पर ना आपको प्रश्न के उत्तर देने हैं। जैसे मुहावरे लाल की गांव में धाक क्यों थी, जब आप पाठ को फिर से पढ़ोगे ना, जब होमवर्क करने बैठोगे, आपको एक बार फिर से पाठ को पढ़ना है और फिर उसको समझना है और आपको उत्तर मिल जाएगा। वेरी गुड, आपको उत्तर खोज के लिखने हैं ताकि आप अपना अभ्यास अच्छे से कर पाओ। आगे करते हैं। घमंडी का सिर नीचा, इसका अर्थ क्या है बच्चों? क्या यह कहावत मुहावरे लाल पर सही बैठती है? यदि हाँ तो क्यों? बहुत अच्छे बच्चों, घमंडी का अर्थ नीचा, इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ है कि अधूरा ज्ञान किसी भी उपयोग में नहीं आता, उसका सर नीचा ही होना होता है, इसीलिए ये मुहावरे लाल पर सही बैठती है, क्योंकि उसे मुहावरों का पूरा ज्ञान नहीं था और वो मुकाबला करने चला था और वो हार गया था और उसका सर सबके नीचे नीचे हो गया था। बहुत अच्छे, ये मुहावरा मुहावरे लाल पर सही बैठती है। चलिए आपने बहुत अच्छे से समझ लिया। सातवां क्या बोलता है? नीचे दी गई कहावतों में कुछ गलतियां हैं, उन्हें सही कर कर लिखो। आपको यहाँ पे पढ़ना है और गलती को पकड़ कर उसको सही कर देना है। हाथ कंगन को अरसी क्या, पढ़े लिखे को अंग्रेजी क्या, इसमें क्या गलत है ये आपको खोजना है और फिर कर देना है। कर लोगे ना? बहुत अच्छे। चलिए आगे आते हैं आठवें प्रश्न पर। इस पाठ में आए मुहावरों में से अपनी पसंद के तीन मुहावरों में अपने वाक्य बनाओ। इसमें कितने सारे मुहावरे पढ़ाए गए, हमें कितने सारे मुहावरे बताए गए, उन्हें अपने शब्दों में लिखना है। जिस तरह आप समझे हो उसी वाक्य में आपको कंप्लीट कर देना है। वेरी गुड। चले बच्चों अब हम लास्ट नाइन्थ वाला पर्सन भी जान लेते हैं कि क्या है ये। मुहावरों के समान कहावतें भी भाषा का अभिन्न अंग है। मुहावरे वाक्य के बीच में प्रयोग होते हैं, मगर कहावतें स्वतंत्र वाक्य के रूप में प्रयोग होते हैं। जैसे अधूरा ज्ञान मुश्किल में डालता है, कहने के लिए नीम हकीम खतरे जान कहावत का प्रयोग किया जाता है। समझे ना बच्चों? बहुत अच्छे। चलो हमने 14 चैप्टर भी कंप्लीट कर लिया, अब हम 15 चैप्टर पढ़ेंगे इसके नेक्स्ट क्लास में। तब तक आपको क्या करना है? वेरी गुड, अपना होमवर्क कंप्लीट। चलिए बच्चों मैं आपको नेक्स्ट क्लास में मिलूंगा, तब तक अपना होमवर्क कंप्लीट कर लो। ओके, बाय बाय बच्चों।